वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। दूसरी औरत के चक्कर में एक अधिवक्ता ने अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। महिला के जिस्म पर गंभीर चोटों के निशान होने के बावजूद पुलिस ने उसका मेडिकल कराना अथवा कोई कार्रवाई करना गवारा नहीं किया। थाना स्तर पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने से परेशान महिला ने आज मेरठ SSP से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। महिला ने अधिवक्ता व दूसरी महिला के बीच होने वाली अतरंग बातचीत की रिकॉर्डिंग भी शेयर की है। आरोप है कि वकील होने का फायदा उठाते हुए पति पत्नी के पिता व भाई के खिलाफ भी झूठे मुकदमे दर्ज करा रहा है। SSP ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। स्वाति ने कुछ ऑडियो भी फर्स्ट बाइट TV को यह बताते हुए दिए हैं कि यह उसके पति व दूसरी औरत की है। सुनिए ऑडियो के आंशिक भाग। हेलो, क्या कह रहे थे? बताओ ना। बता दो। बताओ। मुझे शर्म आती है, मैंने कह रही। अरे बताओ, शर्म गाय की कोई और थोड़ी ना है। तुम और मैं ही तो है मेरी जान, बस बताओ शर्म गाय की इसमें। अंजलि बताओ ना, क्या प्यारा सा इंसान हो, उसकी गोद में सर रख के सो जाऊं बस। और जिस प्यारे से इंसान से बात हो रही है उसी की बात हो रही है। अच्छा, तो देख लो, पॉसिबल हो तो गाड़ी आने दो, हॉस्पिटल पे खड़ी कर दूंगा, घर बोल दूंगा पापा मैं आ रहा हूँ, अभी 2 घंटे लग जाएंगे मुझे। तुम्हारे रूम पे सीधा, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर कोली भर लूंगा, तुम्हारी छोड़ने का नहीं बहुत देर तक। तुम कहेगा मैं सुनो तो, मगर मेरी जान बाद में सुनिए, रुक जा पहले 5-7 मिनट। कैसी कैसी ख्वाहिशें हैं। ख्वाहिशें तो मेरी जान बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ यार, थोड़ा मैं मजबूर हूँ बहुत ज्यादा, अपने असूलों से अपने आदर्शों से बंधा हुआ हूँ मैं। चलो तुम इन प्रॉब्लम से निकलो। वो तो निकल ही जाऊंगा मैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इंडिया पाकिस्तान से युद्ध जीत गया, हम इस प्रॉब्लम से ना निकल सकते, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। तुम इनसे निकलो और फिर जब फैसले पाएंगे ना कन्ने पे, 8 दिन के अंदर मैटर फाइनल कर दूंगा। एक ही बात बोलनी पड़ेगी पापा से। क्या मैं कहा पापा लाड़ा काटो इसका, मुझे नहीं पता कुछ भी। हाँ, चाहे मेरे हिस्से की जमीन बेच दो। हाँ, मगर ये 2-4 लाख जो भी चाहिए ना, खत्म करो लाड़े को। अबे आज तो दोपहर उसका मौसी की लड़की का फोन आया, तुम भी नू करोगी, इतना क्रेज चल रहा है। बात करते करते अंजलि अंजलि लगा रहा है मुंह पे। मौसी की लड़की का फोन आया प्रियंका का, गाजियाबाद से, सगी मौसी की लड़की। अच्छा, ओ करी, हेलो नो, ठीक है अरुण, मेरा नाम दूसरा अरुण है, ध्यान रखना। तो मौसी की लड़की का फोन आया नू, भैया मैं और बता, कोई दिक्कत किसी भी तरह की? नहीं कोई दिक्कत नहीं भैया, बस देर से बात होगी तो फोन करता ही ना। अनु और भाभी भाभी कैसी हैं, बात हो गया तेरी के ना? मगर मेरी बात ना होती बिल्कुल भी है। इनका भैया तेरी भी जिंदगी खराब ही कर दी उसने बिल्कुल। मगर जिंदगी खराब क्यों कर दी, जिंदगी तो मैं बना लूंगा, तेरी दूसरी बात भी लाऊंगा बढ़िया वाली, चिंता मत करे। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थाना खरकोदा क्षेत्र की निवासी स्वाति ने यह जानकारी दी। क्या करता है आपका पति, कब आपकी शादी हुई? 2016 में मेरी शादी हुई है और पति वकील है। वकील 20-25 वकील को सारे थानों में ले जाकर घूमता है कि हम इसको उसके भाइयों को उठा कर लाओ, उसके पापा को उठा कर लाओ, पैसे भरता रहता है और हमारे खिलाफ ही उल्टा मुकदमा करता है। मेरे इतनी बुरी तरीके से मारते हैं और घर वाले उसके ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो घर वालों पर फंसाने की, तेरे पापा पे ये केस लगाऊंगा, तेरे भाई पे ये केस लगाऊंगा, ऐसे मुझे धमकी दे रहा है। अब मैं झूठा मेडिकल भी बनवा लिया मेडिकल थाने से और 307 में मेरे पापा और भाई को फंसा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और
अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।